गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ डॉक्टर मंजीत कुंडू. मैंने MBBS, MD मेडिसिन और क्रिटिकल केयर सुपर स्पेशलिटी PGIMS रोहतक से की है. अब मैं सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन और क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट के पद पर कार्यरत हूँ. सबसे पहले मैं इस स्टेज के माध्यम से मुझे कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए बुलाने के लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा. थैंक यू. स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर दिलेश सिंह सर और प्रिंसिपल सर मिस्टर सुभाष. थैंक यू सर. मैंने यहीं पे 5th क्लास तक पढ़ाई की. उसके बाद मैं नवोदय में चला गया था. वहीं पे मैंने 10th क्लास की. मैं आज आपको करियर काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे हमने आगे बढ़ना है. करियर का मीनिंग क्या है? करियर का मतलब ये है कि एक पाथ, एक रोड जिसमें अपनी पूरी लाइफ जीनी है, वो भी अच्छे से. उसके लिए चाहिए ट्रेनिंग. ट्रेनिंग कौन देगा? टीचर. हमारे टीचर होते हैं, वो हमें ट्रेंड करते हैं. और जॉब, अगर हम देखें कैरियर और जॉब में डिफरेंस क्या है, जॉब एक कैरियर का पार्ट है. इट इज पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली. अब कैरियर स्टार्ट कहां से होता है? जब बच्चा पैदा होता है तब से ही कैरियर स्टार्ट हो जाता है. 5 साल तक बच्चा सारे सोशल एक्टिविटी सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बातें करनी है, कैसे बैठना है, कैसे बिहेवियर करना है. उसके बाद जब नर्सरी में आता है बच्चा और 8th क्लास तक, माइंड सभी के पास होता है, बट जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, वो जिसकी स्ट्रोंग होती है वही सक्सेसफुल होता है. अब अंडरस्टैंडिंग पावर का मीनिंग क्या है? कि अंडरस्टैंडिंग पावर का मतलब ये है कि एक मैं हूं, एक कोई 12th क्लास का बच्चा है, मैं अपने दिमाग से सोचूंगा और 12th क्लास का बच्चा अपने दिमाग से सोचेगा. अगर देखें मेन जो अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होती है 8th क्लास तक होती है, उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा आप पे. उसके लिए क्या चाहिए? लगन और मेहनत और एक आपका टारगेट कि आपने क्या बनना है. वही करियर है. टारगेट है जो आपका, वो करियर है आपके लिए. एक प्रोफेशन है, एक ऑक्यूपेशन है. जब आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जो अपनी लाइफ में अपने टैलेंट के बेस पे अपने लाइफ को आगे बढ़ाओगे, तब आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बोला जाएगा. सक्सेसफुल पर्सन होगा वो. अगर जैसे 8th क्लास तक क्या होता है कि टीचर हमें क्या सिखाता है कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, हाउ टू लर्न, कैसे सीखें, हाउ टू रिमेंबर, कैसे याद रखें, हाउ टू रिवाइज और कैसे रिवाइज करें. अगर इन चीजों का पता चल जाए उसके बाद आपके लिए कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है. बस आप मेहनती होने चाहिए. आप अगर आप मेहनती हो, अगर आप में लगन है, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी.
ऐसा नहीं है कि कोई अमीर किसी कोई बच्चा है उसके मम्मी पापा बहुत अमीर हैं और हाई फाई स्कूल में पढ़ता है, कोई कमी नहीं है। वो सक्सेस के लिए चाहिए सच्ची मेहनत और लगन और आपका टारगेट। अगर आप इस पे चल रहे हो तो आपको कोई वेट नहीं कर सकता। और जैसे आपको कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे टीचर आपको पढ़ाएगा कि आपको बताएगा, जैसे कोई भी मैथ का टीचर है या साइंस का है तो आपको जो टॉपिक पढ़ाता है उसमें टॉपिक तो आपने सब पढ़ना है, उसके बाद उसमें कुछ दो तीन बातें होती हैं जो आपको याद रखनी है, उसको बोलते हैं कंसेप्ट। अगर वो आपका कंसेप्ट स्ट्रोंग है तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आप आगे तक जाओगे। उसके बाद 8th क्लास से 12th क्लास तक आपको नॉलेज गेन करनी होती है, हाउ टू गेट नॉलेज। आप आर्ट साइड में भी जा सकते हो, मेडिकल साइड में भी, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, किसी साइड में भी जा सकते हो। उसके बाद अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़िया है, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने आर्ट लिया तो उसमें आप क्या बन सकते हो, मैक्सिमम आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी क्रॉस। ये अगर आपने नॉन मेडिकल लिया आईआईटी, साइंटिस्ट बन सकते हो। अगर आपने मेडिकल लिया एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, क्रिटिकल सुपर स्पेशलिटी, आप किसी में एमबीबीएस मैक्सिमम बोलते हैं। मेडिकल में अगर कोई मेडिकल लेता है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन ये होता है एमबीबीएस में हो जाए तो बहुत बढ़िया, उसके बाद बीएमएस, बीडीएस, फिजियोथेरेपी, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, डीएनएम, बी फार्मा, डी फार्मा, और जैसे लेबोरेटरी का होता है डीएमएलटी, तो ये कर सकते हो। अगर इनमें से आप में क्वालिटी है तो आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, वो बिजनेस भी आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है, तो आपने अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है तो उसके लिए आपने आगे भाई कैसे चलना है इस पे डिपेंड करेगा। तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल डिफाइन इटसेल्फ एज आई एम पॉसिबल। अगर आप में लगन है, मेहनती हो, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। इसलिए मेहनत करो और अच्छे से अपना टारगेट डिसाइड करो जिसमें आपकी रुचि है और उसके बाद बढ़ते चलो। जो आपका करियर है, जो रोड है, उस पर चलते उसको डाइवर्ट मत होने दो, तो उसके बाद सक्सेसफुल सक्सेस अपने आप ही मिल जाएगी आपको। जैसे मैंने 25 साल तक तो पढ़ाई कर रखी है, जैसे पांचवी क्लास के बाद पांच साल के बाद मैं 30 के अराउंड हो गया हूँ, 32, तो 25 साल अभी भी मैं पढ़ता हूँ, कम से कम 2-3 घंटे पढ़ता हूँ हर रोज डेली। तो मेहनत करना बहुत जरूरी है, चाहे आप तभी आपको सब कुछ मिल सकता है। दोबारा से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू।